Hello friends, welcome back. I'm back with a new chapter which is NCERT Geography Class 6 Chapter 2. इसमें हम बात करेंगे पृथ्वी हमारा आवास इस बुक का चैप्टर 2. चैप्टर 1 हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे प्ले एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चैप्टर 1 पहले से देख सकते हैं. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 की. सबसे पहले बात कर लेते हैं वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको विषुवत वृत्त कहते हैं. मीन्स सभी को पता होगा, हम सभी पढ़ चुके हैं, ये बेसिक है, फिर भी देख लेते हैं. ये हमारी पृथ्वी, इसको जो दो बराबर भागों में ये रेखा बांटती है, ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है, या विषुवत रेखा, या फिर इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इक्वेटर ही बोलते हैं, विच इज 0 डिग्री. ओके, विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है, बता चुके हैं. 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव कहलाता है. मीन्स यहाँ से विषुवत वृत्त से 90 डिग्री उत्तर इस तरफ, इसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और साउथ में 90 डिग्री इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव. विषुवत वृत्त उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त चार अन्य अक्षांश रेखाएं और भी होती हैं. कौन कौन सी होती हैं देखते हैं. उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तरी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिणी, और विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा विषुवत रेखा के 66.5 दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव. इनको मैप के थ्रू समझते हैं. दिस इज मैप ऑन योर स्क्रीन. ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये पूरी इक्वेटर है यहाँ तक, ये 0 डिग्री इक्वेटर, और इससे 23.5 उत्तर में जो ये रेखा है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है. नीचे आती है हमारी 23.5 साउथ में, जब जाते हैं ये साउथ में, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है. पहले इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं. एक क्वेश्चन हमें मोस्टली मिलता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएँ गुजरती हैं. ये रहा हमारा आंसर अफ्रीका, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा इक्वेटर, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. एक और होता है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके बीचों बीच से क्या होती है, मकर रेखा जाती है. आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. साउथ अमेरिका भी आपको मिल जाता है ऑप्शंस में, लेकिन होता नहीं है क्योंकि साउथ अमेरिका के थोड़ा सा नीचे से निकलती है, बीचों बीच से नहीं जाती, ठीक है. इंडिया के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है. नेक्स्ट आगे बात करते हैं. कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर अवश्य होता है. मीन्स सबसे ज़्यादा हीट या सबसे ज़्यादा धूप उस दिन होती है या उस टाइम पे होती है के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंध. मीन्स कर्क और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर, एक जगह नहीं, सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है. मीन्स एकदम एग्जैक्ट होता है. मोस्टली अगर हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये होता है आपका 21 जून को, ठीक है. एरिया कौन कौन सा है लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ कर्क और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य, ठीक है, एक बार जरूर होता है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा में 21 जून होता है, और साउथ दक्षिणी ध्रुव में जो हमारा मकर रेखा वाला एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, 22 दिसंबर होता है, जहाँ पर सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है. 21 जून हम सभी को पता है, हम इसके यूज टू हैं या इससे फैमिलियर हैं, क्योंकि हमारे उस दिन क्या होता है, योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है. तो कौन कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, इन दो रेखाओं के बीच में. यहाँ पे वर्ष में एक बार सभी अक्षांशों पर, मतलब मीन्स ये पूरे एरिया में सूर्य हमेशा सीधे क्या होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है, और सबसे ज़्यादा हमें प्रकाश या ऊष्मा प्राप्त होती है. नेक्स्ट, कर्क और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर, मीन्स इन दो अक्षांशों के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, अतः शीतोष्ण कटिबंध, इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं. कहाँ कहाँ पर, कर्क और मकर रेखा दोनों की बात कर रहे हैं, अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच वाले क्षेत्र का तापमान हमेशा मध्यम रहता है, अतः इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है. मैप के थ्रू अभी हम इसको आपको समझाएंगे क्या होता है. ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीत कटिबंध. मोस्टली यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पोल्स आते हैं, ठीक है.
180 डिग्री प्रमुख यामिनी उत्तर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होते हैं, लाइक ये उष्ण कटिबंध क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, ठीक है। तो इनको हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, हमारा ये मैप में आप देख पा रहे हैं इक्वेटर सबसे पहले, ठीक है। ये रहा हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ये 23.5 कर्क रेखा, 23.5 साउथ मकर रेखा, ठीक है। तो क्या होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, क्या होता है ये जीरो से ये वाला हिस्सा, ये देखिए उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे क्या होता है ये ग्रीन, यहाँ पे क्या होता है सूर्य, जो हमने पीछे पढ़ा एक बार क्या होता है एकदम ठीक सिर के ऊपर होता है, तो ये उष्णकटिबंधीय होता है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये वाले होते हैं, मीन्स मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का एरिया, और कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्से आते हैं, जहाँ पे क्या होता है ठंड ज़्यादा होती है गर्मी कम होती है, सेम नीचे यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। उसके बाद ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त के ऊपर ये शीत कटिबंध, यहाँ पे हमारे पोल्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे कभी भी सूर्य जो होता है वो क्षितिज से ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए यहाँ पे क्या होता है हमेशा क्या होता है बर्फ जमी रहती है, टेम्परेचर 0 डिग्री के अराउंड ही रहता है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस क्या है कटिबंधों में। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन लाइनर, इनको देखते हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती हैं, मीन्स जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती हैं घटती हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये हमारा अर्थ, ये जो ऐसे वाली रेखाएं होती हैं ऐसे वाली, ठीक है ऐसे वाली, मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होती हैं ये घटती हैं ऐसे इस तरीके से, है कम हो रही हैं, और ध्रुवों पर क्या होती है शून्य हो जाती है, मीन्स सारी यहाँ से आती हैं और यहाँ पे देखो ये मिल रही हैं, ये सब पोल्स पे जीरो हो जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की तुलना में देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, अक्षांश रेखाओं की, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं ये वाली होती हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक आई और एक ये यहाँ से यहाँ तक आई, तो इसकी जो लंबाई होगी इस वाली की ये ज़्यादा होगी उसकी कम होगी, तो वही बोल रहा है अक्षांश रेखाओं की तुलना में देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में होते हैं, ग्रीनविच यूके का एक जगह का नाम है जहाँ से हमारा क्या लिया गया टाइम लिया गया है, जो इससे ईस्ट में आते हैं उनका टाइम आगे होता है और जो पश्चिम में आते हैं उनका टाइम पीछे होता है। सपोज दैट ईस्ट की बात करें तो क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और वेस्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा ये आपका नॉर्दर्न अमेरिका हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे न्यू ईयर मनाने की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में इसके कंपैरिजन में 12 घंटे पहले ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया जाता है, ठीक है। इंडिया में, इंडिया से यहाँ पे क्या होता है 5.5-6 घंटे पहले ही ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया जाता है, मीन्स जो हिस्से ईस्ट में होंगे वो आगे होंगे और जो वेस्ट में होंगे वो पीछे होंगे। इंडिया की बात करें, इंडिया ग्रीनविच के पूर्व में है, इसलिए भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 प्लस GMT मीन्स प्लस 5:30 आगे है। हम सभी को पता होगा जब घड़ी सेट करते हैं तो प्लस 5:30 हम GMT की टाइम ही सेट करते हैं, ठीक है, जो कि ग्रीनविच से कितना है 5.5 घंटे आगे है। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, हम सभी को पता है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान रखिएगा, 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं 1 डिग्री = 4 मिनट, इसके थ्रू आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया में गुजरात की बात करें, अगर गुजरात का द्वारिका और असम का डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है टाइम में, डिफरेंस मीन्स अगर यहाँ पे 6 बजा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7:15, गुजरात में 6 बजेगा मॉर्निंग का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7:15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम एक ही टाइम जोन को फॉलो करते हैं, ठीक है। ऐसा किस लिए होता है, ताकि हम आसान रहे, हम आसानी रहे हमारे लिए, अगर ज़्यादा डिफरेंस होता टाइम का 2-3 घंटे में तो फिर हम क्या करते, हम भी डिफरेंट टाइम जोन्स को फॉलो करते। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा बहुत इंडिया टाइम की। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, हमने बोला था ना जो GMT से पूर्व में होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा पहली बात हमारा इंडिया प्लस 5:30 होगा, इसको आप इस फॉर्मूले से 1 degree = 4 minutes इससे आप निकाल सकते हैं कितना आगे है हमारा 82.5, इतना टाइम आगे, तो टोटल कितना निकलेगा 5.5 घंटे निकलेगा। तो ये वाला जो हिस्सा है नैनी, ठीक है, इलाहाबाद के पास ये आ रही है हमारी 82.5, ये रेखा आ रही है, ठीक है, और ये जहाँ पे मकर रेखा को हमारी काटती है, ठीक है, यहाँ पे मकर रेखा को ये काटती है, तो उस हिस्से से हमारा टाइम लिया गया है, विच इज़ इलाहाबाद के पास क्या है नैनी नाम की जगह है, वहाँ से लिया गया है। सो ये रहा हमारा आज का NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर 2nd, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।